फैक्टर्स के ऊपर जो बायर्स के बिहेवियर में चेंज आया वो कुछ इस तरह से है कि कस्टमर अभी इस समय जो है गेटेड कम्युनिटीज यानी गेटेड प्रॉपर्टीज को काफी तवज्जो दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस आइसोलेशन के समय में, लॉकडाउन के समय में, अगर उनको कम्युनिटी बेस्ड लिविंग का अगर उनको एंजॉयमेंट करने मिले सो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू हिम। कम्युनिटी बेस्ड गेटेड कम्युनिटीज में बेसिकली प्रॉपर्टीज में नॉर्मली कुछ फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स किए जाते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटीज काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ पर जिम होती है, हमारे पास क्लब हाउस होता है, हमारे पास जॉगिंग ट्रैक, रनिंग ट्रैक होता है, जिससे कि हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसलिए इस तरह की प्रॉपर्टीज को काफ़ी लोग इस समय प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगला जो चेंज बायर्स के माइंडसेट में आया वो है उनको इस समय बड़े घर की तलाश है। वो चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम करना है या स्टडी फ्रॉम होम करना है या उनको कोई नया बिजनेस सेट करना है, उसके लिए दे रिक्वायर सम एडिशनल स्पेस एट देयर होम। तो अगर आपके पास जो प्रॉपर्टीज है उसमें अगर आपके पास 1.5 BHK है या 1 BHK के बजाय आप 2 BHK उसको ऑफर कर सकते हैं, या उनको आप एडिशनल डक्ट स्पेस ऑफर कर सकते हैं, या उनको आप बड़ी बैल्कनीज ऑफर कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं और आप उनको समझा सकें कि यस आने वाले समय में आपको ये एडिशनल एरिया जो घर के अंदर है वो लगने वाला है, डेफिनेटली आपको इस चीज़ का सेलिंग में काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। इस समय बायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। जिन लोगों का अपना सिबिल स्कोर काफ़ी स्ट्रांग है और जिनके पास डाउन पेमेंट के लिए अच्छा खासा मार्जिन बनी है, वो इस समय रेट अच्छे खासे नेगोशिएशन पावर के साथ बिल्डर से वो रेट ले रहे हैं, राइट। आपको भी इन चीज़ों को कस्टमर को समझाना चाहिए कि मार्केट में हमको हमेशा यू हैव टू बाय एट द लो कॉस्ट एंड यू हैव टू सेल एट द हाई कॉस्ट। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का ये सबसे बेस्ट मोमेंट है, ये आपको कस्टमर को बताना चाहिए। अगला ट्रेंड है दोस्तों वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड है कि कैंसलेशन के चांसेस इस समय जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं। बेसिकली पहले होता था 2009 के पहले कि कैंसलेशन का रेशियो 8 to 10% होता था, बट अभी जो लोग हैं जो बहुत श्योर है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है वही लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो कैंसलेशन चांसेस हम देख रहे हैं इस समय कैंसलेशन का रेशियो बहुत कम हो गया। अगर आप ये रेशियो और बेहतर करना चाहते हैं तो मेरे कुछ आपको एडवाइस है कि आप पहले सबसे पहली बात तो आप ऑनेस्टी मेंटेन करें कस्टमर के साथ, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, उनको सारी चीज़ें क्लियरली बताएं। सेकेंड चीज़, आप जो भी अपडेट्स हैं आपकी प्रॉपर्टी को लेकर या जो प्रॉपर्टी उन्होंने बुक की है उसको लेकर आप प्लीज़ उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। तीसरी चीज़, उनके साथ रैपो बना के रखें। उसके अलावा उनको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके आजू बाजू की प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, या अगर आपके प्रोजेक्ट में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं तो उनके साथ शेयर करिए, कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, ओके। और एक बहुत सिंपल ट्रिक है, अगर आपको कैंसिलेशन का रेशियो आपका कम करना है तो जब आप बुकिंग करते हैं उस समय बायर से आप मैक्सिमम बड़ी अमाउंट उठाने की कोशिश करें ताकि आप बुकिंग से लोन डिसबर्समेंट तक आप जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। होता क्या है कि अगर हम बुकिंग अमाउंट कम उठाएंगे तो लोन डिसबर्समेंट तक पहुंचने के लिए हमको ज़्यादा समय लगता है, राइट। ट्राई टू अवॉइड दैट टाइम, आप ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग अमाउंट उठाइए, हो सकता है तो 10% अमाउंट आप बुकिंग के समय उठाने की कोशिश करें। उसके लिए आपको बायर को जिस तरह से कन्विंस करना पड़ा उस तरह से आप कोशिश डेफिनेटली करें। अगला जो ट्रेंड आया है वो है कि इस समय फाइनलाइज करने के लिए बायर को काफ़ी लेस समय यानी कम टाइम लग रहा है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनको आजकल ऑनलाइन पे अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा जब हमारे जैसे सेल्समैन के साथ या डेवलपर के साथ वो बात करते हैं तो हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनको ऑनलाइन पे शेयर कर ही देते हैं, यानी उनको हम वीडियोस हैं, लोकेशन की इन्फॉर्मेशन है, ब्रोशर्स हैं, कॉस्ट शीट है, तो काफ़ी सारी आइडिया उनको होती है। तो आजकल जब बायर साइट पे आ रहे हैं तो मेजरली वो दो चीज़ों के लिए आ रहे हैं। तो वो वेरीफिकेशन के लिए आ रहे हैं कि जो घर आपने मुझे प्रेजेंटेशन के समय आपने मुझे बताया था क्या मुझे वही घर मिलने वाला है अमेनिटी के साथ, और सेकेंड थिंग इज प्राइस निगोसिएशन। इन दो कारणों की वजह से आ रहा है। इसके लिए आप भी एक अपनी तरफ से एक स्ट्रेटेजी प्लान करें कि जब भी क्लाइंट को ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे या जब भी प्रेजेंटेशन दे तो मैक्सिमम चीज़ें जैसे कि आपके कनेक्टिविटी है, आपके लोकेशन का एडवांटेज है, आपका जो प्रोजेक्ट है उसके आजू बाजू में जो कमर्शियल बिजनेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, प्रोजेक्ट में एमिनिटीज जो है, उसके अलावा बैंकिंग के बारे में डिस्कशन है, इसके अलावा क्लाइंट का जो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन है या क्या अड़चन है आपको बुकिंग में आने सकती है, सारी की सारे चीज़ें आप प्रेजेंटेशन के समय आप डिस्कस करें उनके साथ। दोस्तों लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस लॉकडाउन को या इस डाउन ट्रेंड मार्केट को एनकैश करना चाहता है। लोग काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि कब मार्केट टूटेगा या रेट कम होंगे और अब कब इन कम रेट में हम अपना घर का सपना हम पूरा करेंगे, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय। तो आप लोगों को कन्विंस करिए कि
इट्स वन ऑफ द फैंटेस्टिक टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी। आप लोगों की जो डिजिटल टीम है, आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम है, इसको पूरे जोर के साथ, पूरे फोर्स के साथ उन लोगों को ढूंढने में लगाइए कि जो मार्केट के पोटेंशियल बायर्स हैं उन तक पहुँचे। उनको एक टारगेट दीजिए कि पोटेंशियल बायर, देखिए आज की तारीख में पहले वीकेंड पे सेल होता था, बट आज मंडे भी सेल होता है, ट्यूसडे भी सेल होता है, एवरी डे इज सेल, बिकॉज आज लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोग छुट्टी अवेल कर रहे हैं, तो एवरी डे इज योर सेलिंग। सो आपको अपनी डिजिटल टीम को थोड़ा सा एग्रेसिवली मार्केट में ले जाना पड़ेगा और इस तरह के लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की 2021 में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके ऊपर, और बायर के माइंडसेट में उनकी वजह से क्या बदलाव आ रहा है उसके बारे में हमने बात की। दोस्तों इस तरह की शॉर्ट वीडियोस हम लाते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं अगर आपको कुछ टॉपिक्स या कुछ एडिशनल टॉपिक्स आपको चाहिए जिसके ऊपर हम वीडियोज़ ला सकते हैं, तो हमें काफ़ी हेल्प होगी। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस ईयर अहेड, थैंक्स अ लॉट।